गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे पोलका डॉट क्वाइन के बारे में, जिसकी प्राइस चली है $7.85। और यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर अपडेट है जो इस क्वाइन के प्राइस में अच्छा खासा बूम कर सकता है। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो के टॉपिक को और समझेंगे कि ऐसे क्या मेजर अपडेट है जिस कारण से इस क्वाइन का प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे पंप कर सकता है। दोस्तों, पोलका डॉट का प्राइस काफी टाइम से $7 से लेकर $8 के बीच में चल रही है। अगर हम यहाँ पर अगर इसके एस्टिमेट को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर ये जो चल रहा है, जो इसके लेवल को समझने की कोशिश करें, तो ऐसा ही पिछले बुल मार्केट में हुआ था जब सारे कॉइन पंप हो रहे थे, लेकिन पोलका डॉट एक लेवल प्राइस में ही ट्रेड कर रही थी, वो पंप नहीं कर रही थी। लेकिन जब इस कॉइन ने पंप करना यहाँ पर शुरू किया तो ऑलमोस्ट इसने $52 का यहाँ पर हाई बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि पोलका डॉट का जो प्राइस है वो काफ़ी टाइम के बाद पंप होता है, जब लोग यहाँ पर नेगेटिव होना शुरू होते हैं, जब लोगों को लगता है कि ये प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है, जब लोगों को लगता है कि इस प्रोजेक्ट पंप नहीं करेगा, तब ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पंप करती है। तो ऐसे में अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इसी प्राइस में भी बाय कर सकते हो। हालांकि हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके बाइंग लेवल हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करें पोलका डॉट का एक बड़ा अपडेट क्या है। तो पोलका डॉट का 2.0 यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। 2.0 के लॉन्च होने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी जो सिस्टम होगी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगी। मतलब पोलका डॉट का जो इकोसिस्टम होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे आने वाले टाइम में जो पोलका डॉट के इकोसिस्टम में यहाँ पर वर्क करेंगे। साथ में जो पोलका डॉट की जो ट्रांजेक्शन स्पीड होती है, जो फीसेस होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेंगे, जिस कारण से बहुत सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट पोलका डॉट के इकोसिस्टम में ऑटोमेटिक आना यहाँ पर शुरू करेगी। आज के टाइम में इसका मार्केट कैप देखोगे तो $10 बिलियन का मार्केट कैप है, और मेरे हिसाब से नेक्स्ट बुल मार्केट में इसका जो मार्केट कैप होगा वो $60 to $90 बिलियन का मार्केट कैप यहाँ पर ईजिली हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले सोलाना का मार्केट कैप देखा होगा जो कि $5 to $6 बिलियन का था, और इसकी प्राइस चल रही थी $7 to $8 के बीच में। लेकिन इसकी प्राइस अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में $100+ हो चुका है, और अभी इसका मार्केट कैप $50 बिलियन का ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे में डॉट का भी मार्केट कैप इजिली हमें लगता है कि आने वाले टाइम में $70 to $90 बिलियन तक में हमें देखने को मिल सकता है इस बुल मार्केट में। और इस दौरान डॉट का प्राइस हो सकता है आपको $70 to $90 के बीच में भी देखने को मिल जाए। डॉट के 2.0 लॉन्च होने के बाद इस कॉइन में अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिलेगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि इस प्राइस में आपको डॉट का प्राइस दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक कि आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। कुछ और भी बाइंग लेवल है जो मैं आपको बताऊँगा, जहाँ से आप DCA भी कर सकते हो। दोस्तों, जब डॉट जैसे कॉइन का पंप होता है तो अभी आप अगर रैंकिंग देखोगे तो डॉट का जो रैंकिंग है वो लगभग 13 रैंक में है, लेकिन जब ये पंप करना शुरू करेगा तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 या 4 रैंक में हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि BNB के भी मार्केट कैप को ये यहाँ पर पीछे कर दे। ये होता है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में जब किसी कॉइन पे हमें पंप देखने को मिलता है तो लगातार उसकी पंपिंग हमें देखने को मिलती है, और डॉट भी ऐसा ही प्रोजेक्ट है। जब पिछले बुल मार्केट में इसने पंप करना शुरू किया तो काफ़ी ज़बरदस्त पंप हमें देखने को मिला, और फिर इस बार हो सकता है कि डॉट का जो प्राइस है वो $70 to $90 तक हमें देखने को मिलेगा। रीजन सिंपल है कि पोलका 2.0 लॉन्च होने के बाद इसके इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आएंगे, जिस कारण से पोलका डॉट का जो यूज ऑफ कैश होगा वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर देखने को चले तो ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है। वीकली चार्ट में आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इस कप एंड हैंडल पैटर्न का जो सिंपल लॉजिक होता है कि इसके बॉटम से जितना हाई इसका गया है ये यहाँ से फिर उतना ही लेवल का यहाँ पे पंप करेगा। मतलब लगभग से लगभग 174% का पंप हो सकता है आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर 3 से 4-5 महीने के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। 174% पंप का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि हो सकता है कि पोलका डॉट का जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर $16 से $17 इजीली देखने को मिलेगा, और ये रिजल्ट आपको बिटकॉइन हालविंग तक या फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद 4 से 5 महीने के अंदर में हमें देखने को मिल सकता है। पोलका डॉट का जो रेसिस्टेंस है वो है $9.29 का $9.3 का, और जैसे ये यहाँ पर ब्रेकआउट होती है तो यहाँ से एक लंबा पंप हमें देखने को मिलेगा जो $18 से $20 इजिली देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें $22 में एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होती है
तो उसके बाद हमें $40 और इसके बाद $52 तक में हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक टेक्निकल एनालाइज है जो कि डिपेंड करेगा कि पोलकाडोट आगे क्या कर रही है, और 2.0 लॉन्च होने के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बनेगा कि पोलकाडोट कुछ ही टाइम के बाद अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक करे और 2024 एंडिंग या 25 आपको स्टार्टिंग तक में ही एक अच्छा खासा प्राइस में आपको पोलकाडोट देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसके बाइंग लेवल के बारे में बात करें, तो अगर आपको इसको बाय करना है तो कुछ अभी जो प्राइस चल रही है, जो करंट प्राइस चल रहा है, उसमें आप बाय कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको $7.5 में भी बाय कर सकते हो, और फिर इसके बाद आप $7 में भी बाय कर सकते हो अगर आपको देखने को मिलता है तो। हालांकि मेरी टेक्निकल एनालाइज यहाँ पे बता रही है कि पोलकाडोट यहाँ से ज़्यादा कुछ डंप नहीं करेगा, और आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम के बाद आपको $9.2 और जैसे इसे यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो लगभग $16 से $17 तक आपको इजिली देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने इस प्रोजेक्ट को ले लिया है तो आप बिल्कुल भी निराश मत होना, आने वाले टाइम में पोलकाडोट 100% एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे देगा। बाकी आप क्या सोचते हो पोलकाडोट के बारे में, क्या आपने बाय कर रखा है, क्या आपकी बाइंग रेंज है, आप जरूर मुझे यहाँ पे बताना।